नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में होने वाले तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होगी गीडा की दमदार भागीदारी। 1,892 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं से 4,657 नए रोजगार का मार्ग होगा प्रशस्त। जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी अधिकारियों को ड्यूटी के प्रति किया ब्रीफ। गोरखपुर न्यूज के कैमरे में कैद हुई लाइव गिरफ्तारी। 1 जून को कलेक्ट्रेट के रजिस्ट्री ऑफिस पर फर्जी जमीन का मालिक बनकर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। रमेश कुमार के नाम का फर्जी आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रदेश के जीआरपी के एडीजी पीयूष गोयल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। महिला संबंधी अपराधों, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट के तहत अपराधियों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। परफॉर्मेंस ग्रांट में चयनित पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत निवास में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। सुनी जनता की समस्या, शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सदर सांसद रवि किशन, मशहूर सिंगर के निधन एवं सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर हुए दुखी। कहा, मूसेवाला की हत्या में है पंजाब सरकार की लापरवाही। इस हत्या की जवाबदेही केजरीवाल या फिर भगवंत मान जी की। जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एसपी ट्रैफिक ने किया रूट डायवर्जन। नौकायन, गीता प्रेस, गोरखनाथ मंदिर के तरफ जाने वाले सभी वाहनों को किया गया प्रतिबंधित। कहा, रूट बदल कर ही वाहन जाएंगे अपने गंतव्य को। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर सदर सांसद रवि किशन एवं बांसगांव सांसद कमलेश पासवान मीडिया से हुए रूबरू। कहा, पहले सरकारी योजनाएं बनती थी सिर्फ कागजों पर, मोदी सरकार में एक एक योजनाओं का लाभ मिल रहा है सीधे आमजन को। राजघाट पुलिस ने 4 अभियुक्तों को अवैध कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार। 500 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 20 किलोग्राम नौसादर और 6 किलोग्राम यूरिया किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। बरसात से निपटने की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, जिले के बड़े व छोटे नालों की तेजी से करवाई जा रही है सफाई। जनपद में नहीं होने दिया जाएगा जल जमाव। फूड सप्लीमेंट बेच रहे मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस एवं पंजीकरण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गोरखपुर एवं दवा विक्रेता समिति के तत्वावधान में लगाया गया 2 दिवसीय पंजीकरण कैंप। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रतिमा त्रिपाठी ने बताया, 12 लाख सालाना से अधिक टर्नओवर पर 2,000, 12 लाख सालाना से कम टर्नओवर पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क है मात्र 100 रुपये। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की बैठक। पशुओं के लिए भूसा डोनेशन कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर राइट टू नेशन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को सदर सांसद रवि किशन ने अंग वस्त्र प्रदान कर किया अभिनंदन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ऐतिहासिक 8 वर्ष की सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को हो रही है समर्पित। और शहरी निकाय विकास कार्यों के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
खबरें विस्तार से। पूरे देश में निवेश के साथ शानदार परिवेश के रूप में उभरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में होने वाले तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गीडा की भी दमदार भागीदारी होगी। गीडा की तरफ से 26 कंपनियों के जरिए 1892 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। इन निवेश परियोजनाओं से 4657 नए रोजगार सृजित होंगे। दशकों तक उपेक्षित रहा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा पिछले कुछ वर्षों से निवेश के लिए उद्यमियों की पसंदीदा स्थानों में से एक है। 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ का गीडा के विकास पर खास ध्यान है। उनके निर्देश पर गीडा में ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही लैंड बैंक में इजाफा करते हुए भूमि आवंटन प्रक्रिया को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया है। अभी पिछले दिनों गीडा में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कई निवेशकों को अपने हाथ से भूमि आवंटन पत्र सौंपा था। वर्तमान समय में कई बड़ी कंपनियों ने गीडा में निवेश की इच्छा जताते हुए भूखंड की मांग कर रखी है। उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक भूखंड उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप गीडा को निवेश के बेहतरीन स्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हो रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम निवेश प्रस्तावों के रूप में सामने आ रहे हैं। गीडा में हो रहे निवेश के साक्षी शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे। प्रधानमंत्री के हाथों ही इन निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गीडा में होने वाले करीब 1892 करोड़ रुपए के निवेश की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अलग अलग 26 निवेशकों की यह परियोजनाएं 30 लाख से लेकर 702 करोड़ रुपए तक की हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 4657 लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। नई निवेश परियोजनाओं के जरिए गीडा में ग्रैंड बेस्ट डिस्टलरी, स्टील, सीमेंट, मिल्क प्रोडक्ट, ग्रैंड बेस्ट एथनॉल, सॉल्वेंट, ग्लासवेयर, खाद्य तेल, पशु आहार, पोल्ट्री फील्ड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कॉमर्शियल बॉडी बिल्डिंग, प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक बैग, बोरा, फर्नीचर एवं लेमिनेट्स पेपर बॉक्स, एयर ऑक्सीजन, बायोडिग्रेडेबल टेबल वेयर, प्लास्टिक किचन वेयर, बेकरी व नमकीन उत्पाद, मेडिकल एवं सर्जिकल आइटम्स आदि के प्लांट लगेंगे। साथ ही एक पैरामेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोलने का भी प्रोजेक्ट है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए गीडा की निवेश परियोजनाएं, निवेशक, निवेश राशि, रोजगार सृजन, केयान डिस्टलरी 702 करोड़ रुपए निवेश, 1000 रोजगार, गैलेंट इस्पात 500 करोड़ रुपए निवेश, 1000 रोजगार, गैलेंट इंडस्ट्रीज 135.08 करोड़ रुपए निवेश, 210 रोजगार, IGL 125 करोड़ रुपए निवेश, 150 रोजगार, क्वार्टर्स ओपलवेयर 120 करोड़ रुपए निवेश, 600 रोजगार, सीपी मिल्क 118 करोड़ रुपए निवेश, 1000 रोजगार, तत्वा प्लास्टिक्स 102.3 करोड़ रुपए निवेश, 110 रोजगार, आदित्य मोटर 20 करोड़ रुपए निवेश, 16 रोजगार, स्पाइलस लेमिनेट 16 करोड़ रुपए निवेश, 200 रोजगार, सगुन फूड्स 13 करोड़ रुपए निवेश, 32 रोजगार, सिद्धेश्वरी ग्रीन टेक 10 करोड़ रुपए निवेश, 60 रोजगार, बुद्धा ट्रस्ट 10 करोड़ रुपए निवेश, 50 रोजगार, मंडलेश्वरी प्राइवेट लिमिटेड 6 करोड़ रुपए निवेश, 30 रोजगार, राज्यांश एग्रोवेदिक 3 करोड़ रुपए निवेश, 15 रोजगार, मानस सिंह 2.20 करोड़ रुपए निवेश, 18 रोजगार, स्वर्ण अक्षर ऑटोमोबाइल 2 करोड़ रुपए निवेश, 20 रोजगार, स्पार्टा टफन 1.40 करोड़ रुपए निवेश, 15 रोजगार, सोनू जायसवाल 1 करोड़ रुपए निवेश, 25 रोजगार, अभिनेश 0.95 करोड़ रुपए निवेश, 11 रोजगार, कबीर नमकीन 0.84 करोड़ रुपए निवेश, 15 रोजगार, जमशेद राजा 0.80 करोड़ रुपए निवेश, 15 रोजगार, मिथिलेश पांडे 0.74 करोड़ रुपए निवेश, 10 रोजगार, रवि प्रताप सिंह 0.63 करोड़ रुपए निवेश, 14 रोजगार,
नितेश कुमार 0.40 करोड़ रुपए निवेश 10 रोजगार, संदीप शर्मा 0.30 करोड़ रुपए निवेश 25 रोजगार, सुनीता सिंह 0.30 करोड़ रुपए निवेश 6 रोजगार। एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में 4 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति के दौरे को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सभी पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के बारे में बताया गया। शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उससे सभी पुलिस कर्मियों को अवगत करवाया गया। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस के साथ जिले के बाहरी जिलों से फोर्स मंगवाई गई है, जिनके रुकने की व ड्यूटी करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी पुलिस कर्मियों व अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया है। इस अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, पुलिस अधीक्षक लाइन राहुल भाटी, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, प्रशिक्षु सीओ प्रशाली गंगवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, रामगढ़ ताल एरिया में जो चौकी है उसके पास के चौकी के पास के जो एरिया है वहाँ पे उनकी गाड़ी जो मेन गाड़ी है वो सब गाड़ियाँ रुक जाएंगी, और जो वहाँ से 20-30 कदम की दूरी जो बगल में खड़ी रहेगी इनकेस वो चाहे तो गोल्ड कार से उस लाइट एंड साउंड से स्थल पर जा सकते हैं, अदरवाइज वो पैदल चलना चाहे तो 20-30 कदम की दूरी पे ही है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ का सिटी प्लान भी पहले से भेजा जा चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए हल्के फुल्के रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था कराई गई है, उसमें चाय और कॉफी सारी चीज़ें और नारियल पानी सारी चीज़ें रहेंगी। ये प्रोग्राम है तो लगभग ये मान लीजिए कि ये शो 30 ये प्रोग्राम 30-35 मिनट का हो सकता है। इस प्रोग्राम में छोटा सा वेरिएशन ये हो सकता है कि इनकेस वो लाइट एंड साउंड सुना देना चाहे हाउस आएंगे सर्किट हाउस में फिर से उनका रात्रि का जो भोजन होता है डिनर है वो प्रस्तावित है जो कि पहले से उनकी मेन्यू आ चुका है हाउस में। अब सुबह उठने पे ब्रेकफास्ट लेने के बाद एक हम लोग की तरफ से एक कार्यक्रम प्रपोज किया गया एक ग्रुप फोटोग्राफ का प्रोग्राम इसी एनएक्सी भवन के बाहर है सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगभग 20 अधिकारियों के साथ है। तो इसके बाद से वापस वो 12 बजे के आसपास आएंगे और सिर्फ प्लेन चेंज है वहाँ MI हेलीकॉप्टर से अपने डीवीजे में लैंड करेंगे, डीवीजे को बोर्ड करेंगे और डीवीजे से वो वापस चले जाएंगे। माननीय राज्यपाल महोदय के साथ हमारे लाइजन अफसर लगे हैं, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी आ रहे हैं उनके साथ हमारे लाइजन अफसर लगे हुए हैं, तो सभी लाइजन अफसर उनसे एयरफोर्स में उनके आगमन के समय से उनके साथ रहेंगे और उनके प्रस्थान तक उनके साथ रहेंगे और माननीय राष्ट्रपति महोदय के ADC के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। तो ये पूरा अभी तक का जिला प्रशासन की तैयारी है और ये पूरा ये प्लान है राष्ट्रपति महोदय का और सभी तैयारियां सर्किट हाउस एनेक्सी भवन की आज रात तक सब पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद। के बारे में और पार्किंग और बूथ की जो व्यवस्था है उसके बारे में बात और उसके बाद वापस सर्किट हाउस आएंगे फिर उनको ड्रॉप करके चले जाएंगे, फिर 5 तारीख की सुबह फिर से सर यहाँ आएंगे प्रेसिडेंट साहब के साथ जाएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से संत कबीर नगर जाएंगे, फिर वापस 5 तारीख को संत कबीर नगर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लौटेंगे एयरपोर्ट पर, फिर वहाँ से प्रेसिडेंट साहब आगे क्या प्रोग्राम बनता है इतना कार्यक्रम है। मेन बात यह है कि जो रूट में लगी ड्यूटियाँ हैं उनको जरा अलर्ट रहना होगा, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर तरीके से समझ लेंगे और बेहतर। बुकलेट को हमने 15 पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें पहला पार्ट में बिजली करंट में पूरा दिया हुआ है, सेकेंड में सर्किट हाउस की सारी व्यवस्था है की व्यवस्था, और पांचवें पार्ट में नौकायन रामगढ़ ताल की व्यवस्था अंकित है, इसके बाद रूट व्यवस्था और कंटिजेंसी व्यवस्था। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय 4 तारीख के लिए गोरखपुर हिलियर फोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे, वहाँ की ओवरऑल प्रभारी श्रीमती राकेश पुष्कर मैम हैं SP विजिलेंस लखनऊ, सभी अधिकारियों के बुकलेट में काल चैन भी दिए गए हैं, SP को सीरा नाम से पुकारा गया है, मैं उनका कॉल सीरा 11 है
और अंदर इनर गार्डन के साथ में सहयोगी अधिकारी और डी फिल्म के सहयोगी अधिकारी अंजनी कुमार राज साहब है, सीओ शशिपुर, अगर आए हो तो कृपया हाथ उठा देंगे। अंजनी कुमार राज साहब, सीओ शशिपुर जनपद उन्नाव, वी आई पी से मौजूद होंगे, नोट करते रहिएगा, जो अधिकारी नहीं है उनसे टेलीफोन से बात कर लीजिएगा जी। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के जनपद के आगामी कार्यक्रम के संबंध में समस्त पुलिस बल की प्रेक्षा गृह में ब्रीफिंग की गई है, जिसमें कि महत्वपूर्ण ड्यूटियों के बारे में बताया गया और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनसे उनको अवगत कराया गया है। ये कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करवाने के लिए जनपद से और आसपास के जनपदों से भारी संख्या में पुलिस बल आया है, जिनको रुकने की और ड्यूटी करने की सकुशल व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में ब्रीफिंग की गई और सभी से फीडबैक भी लिया गया है। कैंट पुलिस ने फर्जी जमीन का मालिक बनकर फर्जी रजिस्ट्री करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को कलेक्ट्रेट से गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर न्यूज के कैमरे में लाइव गिरफ्तारी कैद हुई, जिनकी पहचान अंकित अग्निहोत्री, पुत्र जितेंद्र अग्निहोत्री, निवासी मोहल्ला दीवान दयाराम, पोस्ट गीता प्रेस, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर, दूसरा मुन्ना अली मोहम्मद, पुत्र मोहम्मद सलीम, निवासी चकसा हुसैन, पचपेड़वा, थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर, तीसरा प्रजापति पांडे उर्फ सोनू, पुत्र मुरलीधर पांडे, निवासी शेखपुर, नियर गीता प्रेस, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। जिनके पास से रमेश कुमार नाम का फर्जी आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में अंकित अग्निहोत्री ने बताया कि वादी मुकदमा रविंद्र कुमार पुत्र हरिप्रसाद निवासी गजपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर मेरे साले का मित्र है, जिससे मेरी जान पहचान थी। उससे बातचीत के दौरान उन्होंने जमीन खरीदने की बात मुझसे कही थी, मैं तभी लालच में पड़ गया एवं एक मेरे मित्र जो शाहपुर क्षेत्र के हैं उन्होंने मिलौरा पेट्रोल टंकी के पास जमीन 2020 में दिखाई थी और बताया था कि ये जमीन 28 डिसमिल है, बिकाऊ है। उसका मैंने इंटरनेट से भू आलेख जांच कर खतौनी निकाल लिया था, उसको मैंने रविंद्र कुमार को दिखाया एवं उसको ले जाकर जमीन भी दिखा दिया, उसको जमीन पसंद आ गई। जब रविंद्र कुमार लेने को तैयार हो गया और 3 माह से कह रहे थे कि जमीन वाले से मिलाओ, मैं परेशान था और मैंने एक दिन कचहरी से जब निकल रहा था तब एक रिक्शा वाला मिला और उससे मैंने ये बात बताई कि आपको रमेश कुमार बनना है, आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा, तो वह तैयार हो गया। मैंने उसकी फोटो खिंचवाकर सोनू उर्फ प्रजापति पांडे, जो गुलरिहा में जन सेवा केंद्र चलाता है, उससे मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड व पहचान पत्र जो मुन्ना उर्फ अली मोहम्मद, पुत्र मोहम्मद सलीम, निवासी चस्का हुसैन, पचपेड़वा, थाना गोरखनाथ का है, जमीन मालिक रमेश कुमार, पुत्र कपिल देव, निवासी भिलौरा नौसड़ के नाम से बनवा दिया और वादी मुकदमा से करीब 5,00,000 रुपया अंकित अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। कल दिनांक 1 जून को जब रजिस्ट्री करने को अंकित आ गया तब रमेश बना अली मोहम्मद देर करने लगा। कुछ समय बाद जब आया तो वादी एवं उनके साथ के वकील जब उसकी आईडी देखे तब तीनों पर एक ही फोटो देखकर शंका हो गया एवं जब उन्होंने जमीन मालिक से उसका नाम, पिता का नाम एवं पता पूछा तो वह नहीं बता पाया। शंका होने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया, पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु लाया गया एवं पूछताछ सकुन एवं जांच पड़ताल के बाद हिरासत में लिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि उनके द्वारा अपराध करना पाया गया और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अंकित द्वारा शेयर मार्केट एवं अन्य शौक में पैसा उड़ा दिया गया और घाटे में चले जाने के कारण उक्त अपराध कारित किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे, उप निरीक्षक रवि कुमार राय, कांस्टेबल जयप्रकाश यादव, अभिषेक कुमार सिंह, उपेंद्र कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ये जो है अभी तो जस्ट जनाब आए सीधे सेवा में आए हैं बस, ठीक है। फिर आप खा लेंगे
पीछे 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 ग्रह पे सेवा देता है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अली नगर के अंदर सोनू प्रताप की पांडे है, वो एज ए आधार अपडेशन का अंकित का भी जनसेवा केंद्र में इंडिया अली नगर। आज जनपद गोरखपुर की कैंट पुलिस ने एक अंकित अग्निहोत्री नामक व्यक्ति को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया। जब वह कोर्ट में फर्जी बैनामा कराने का प्रयास कर रहा था और उसको पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह फर्जी खतौनी के लिए किसी भी खतौनी का नंबर उठाता था और उसके बाद में उस खतौनी के नाम से नंबर से जिसके नाम की ज़मीन थी उस व्यक्ति और उसके पिता का नाम वो लेके अपने एक दोस्त जो गुलेरिया में दुकान चलाता है आधार कार्ड की अपडेटिंग करने की उनकी उस दुकान पे जाके उसको फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाता था जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तीनों फर्जी बनाने का काम करता था। वो उस पर चस्पा करने के बाद उसने एक डमी व्यक्ति अली मोहम्मद नाम के व्यक्ति को उसने हायर किया कोर्ट के बाहर से 1,00,000 रुपया में जिसको उसने रमेश नाम का व्यक्ति बनाया और उसको लेके वो कोर्ट परिसर में गया एवं जब तीनों आईडी जब एक समान दिखी तो वकील ने थाना पुलिस को अलर्ट किया और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है एवं आगे अगर कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से अरेस्टिंग हुआ है उसका प्रजापति पांडे का ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी बड़े पैमाने पर ये कार्य कर रहा था। इसमें आपको सैंपल दिखेगा कि ये जिस तरीके का आधार कार्ड है ये पैन कार्ड है इसमें पैन कार्ड में फ़ोटो का और ये दो चीज़ जगह है ये खाली है इसका मतलब ये इस तरह के कईयों पैन कार्ड बना चुका है। इसमें आगे और पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा सर ये जो और आधार कार्ड भी ये किसी का भी प्रिंट करने में माहिर है और इसी तरीके से ये वोटर आईडी भी बनाता था तो इस तीनों प्रकार के जालसाजी में ये माहिर लगता है। अब बाकी पूछताछ की जाएगी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये खतौनी और ये फर्जी रजिस्ट्री कराने का ही मामला सामने आया है लेकिन इस जालसाज से पूछने पे पता चलेगा कि इसने किस किस प्रकार के अभी तक के कार्य किए हैं। इसकी प्रिंटिंग मशीन और इस तरह के कम से कम 500 से ज़्यादा के कार्ड डीएल के पैन कार्ड के वो सब हिरासत में लिए गए हैं। प्रदेश के जीआरपी के एडीजी पीयूष गोयल ने गोरखपुर के थाना प्रभारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की जिसके संबंध में प्रदेश के जीआरपी के एडीजी पीयूष गोयल ने बताया कि जीआरपी गोरखपुर के थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है जिससे कि अपराध को कम किया जा सके। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लंबित एसआर केसों महिला संबंधित अपराधों गुंडा व गैंगस्टर एवं एचएस की अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्पीकर के माध्यम से यात्रियों को जहर खुरानी से सावधान किया जाए और ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चों को बरामद किया जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह अपर पुलिस अधीक्षक सीओ जीआरपी रचना मिश्रा सहित सभी जीआरपी के सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के रेलवे जीआरपी के एडीजी पीयूष गोयल ने कहा आज मुझे गोरखपुर आने का मौका मिला। आज बेसिकली गोरखपुर में जो मेरा आगमन है वो जितने भी जीआरपी गोरखपुर के थानाध्यक्ष हैं
और जो और अफसर हैं उनके साथ डिस्कस करने का था कि कैसे हम लोग जो अपराध है उसको और कम कर सकते हैं, और कैसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं जो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस और जीआरपी के लिए दी हैं उस पर हम लोग पूरा उतर सकते हैं। तो उसके बारे में इन सभी अधिकारियों से काफ़ी विस्तार से डिस्कशन हुआ है, और खुशी की बात यह है कि सभी अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि उन्होंने आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपराध एवं अपराधियों पे जो नियंत्रण इन्होंने स्थापित किया है उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत निवास में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि ग्राम पंचायत निवास में चौपाल लगाया गया था। यह गांव ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत लिया गया, एक बड़ी धनराशि शासन द्वारा हस्तांतरित किया गया है। वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा की गई है। 2 महीनों में कार्य को पूर्ण करके समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता संबंधित योजनाओं की समीक्षा ली गई। वहां किसानों से संबंधित योजनाओं के बारे में वहां के नौजवानों को कौशल विकास मिशन से जुड़ने के लिए बताया गया। खाद विभाग के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है उसकी समीक्षा की गई। वहां पर सभी विद्युत सड़क के कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रयास है कि शासन की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए जिससे कि हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, नागरिक आपके गांव में 1032 शौचालय का निर्माण पिछले 5 वर्षों में किया गया है, जिसमें से 33 शौचालय का निर्माण अभी स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने ना जाए। क्या आप लोगों को शौचालय मिला है? जिसको मिला कृपया हाथ खड़े करें। चलिए बहुत अच्छा, ज्यादातर लोगों को मिला हुआ है। ब्लॉक में निवास ग्राम पंचायत में चौपाल लगाई गई थी। ये गांव परफॉर्मेंस ग्रांट की योजना से आच्छादित है। एक बड़ी धनराशि शासन द्वारा वहां स्थानांतरित की गई है। वहां पे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। 2 महीने में उस कार्यों को पूर्ण करके समयबद्ध गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराने के लिए हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। उस गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल पोषण, स्वच्छता संबंधित योजनाओं की समीक्षा ली गई। वहाँ किसानों से संबंधित योजनाओं के बारे में और वहाँ पे नौजवान लोगों को कौशल विकास में जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे व्यवस्था की। आपूर्ति विभाग से जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण हो रहा है उसके बारे में समीक्षा ली। वहाँ सभी विद्युत और सड़क और आदि योजनाओं के बारे में भी समीक्षा ली गई। कोशिश यही है कि 100% संतृप्तिकरण हो और सारे जन कल्याणकारी योजनाओं में पात्रों को आच्छादित किया जाए और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। गुरुवार को बेनीगंज स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर सदर सांसद रवि किशन ने मशहूर सिंगर के एवं सिद्धू मूसेवाला और योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन तथा राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मशहूर सिंगर के आकस्मिक निधन और पंजाबी के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक बड़ा दुखद घटना है। उनका पंजाब में उनकी हत्या हो गई। मैं संसद भवन में इस मुद्दे पर सवाल उठाऊंगा कि जहां भी फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दें। जहां भी शूटिंग के दौरान भीड़ जुटने की समस्या हो, अब गोरखपुर में भी बड़े बड़े फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो मैं ज़िला प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि जहाँ भी फिल्मों की शूटिंग हो वहाँ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी जाए। मशहूर सिंगर के मात्र 53 साल के और सिद्धू मूसेवाला केवल वो 28 साल के ही थे। उन्हें जिस प्रकार घेर कर मारा गया इसमें पंजाब सरकार की लापरवाही है, जबकि उनकी जान का खतरा पहले से ही था, तब उनकी सुरक्षा व्यवस्था एक दिन पहले क्यों हटाई गई? इसका जवाब आप सरकार देगी, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई। मैं बहुत दुखी हूं, पंजाब की जनता भी हैरान है कि कैसे उनको बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस हत्या का जवाब केजरीवाल दें या फिर भगवत मान जी इसका जवाब दें। उन्होंने बताया कि 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और हम सभी लोग अयोध्या जाएंगे, प्रभु श्री राम जी का दर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति गोरखपुर आएंगे और सर्किट हाउस से रामगढ़ताल झील जाएंगे और शाम को म्यूजिक लाइट देखेंगे, फिर गीता प्रेस और गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और पूरे भारत के लोगों का नज़र हमारे गोरखपुर पर रहेगा और एक रात
सर्किट हाउस में रुकेंगे। इसमें पूरा देश दिखेगा, जो उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ने किया है। हम लोगों का सीना चौड़ा होगा। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज फिल्म को मैं सभी लोगों को देखने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी लोग फिल्म को देखें। पृथ्वीराज फिल्म में इतिहास की सच्चाई को दिखाया गया है और इस फिल्म को ना देखने की विपक्ष पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, बहुत ही सुंदर, दो साल पहले यहाँ आए थे गोरखपुर महोत्सव में और बहुत ही जिंदा दिल इंसान, बहुत सोनू निगम नहीं आ पाए तो उनको अचानक बुलाया गया, आए परफॉर्म किया और अचानक परफॉर्म करते हुए। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो कलाकार हूँ 30 साल से, सारे कलाकार मेरे मित्र हैं। मैं जब भी कभी रात में इनके साथ डिनर वगैरह पे बैठता था तो मैं कलाकारों से हमेशा पूछता था कि हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो अक्सर कलाकार ये कहते थे और कहते हैं, और जो सच्चा कलाकार है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि मेरी कैमरे के सामने मृत्यु, मेकअप लगा हुआ मेरी मृत्यु, मैं मंच पे परफॉर्म करता रहूँ या मैं एक्टिंग करता रहूँ तब मेरी सांसें निकले। मैं सारे दिग्गज कलाकार जो मैं सबके साथ ऑलमोस्ट काम कर चुका हूँ, इस देश के सभी कलाकारों के साथ, दो चार के साथ नहीं किया होगा लेकिन मैंने सबके साथ 700 फिल्में की हैं। तो सबसे जब मैं भी कमलेश जी में पूछता था तो सब यही कहते थे कि आखिरी सांस मेरी कैमरे के सामने हो, मंच पर हो, परफॉर्म करते हो। वही कहा ना राज कपूर साहब ने, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा। कलाकार की वही, कलाकार परफॉर्म करते करते ही चला जाना चाहता है, उसको कह वो चाहता है उसी का मोक्ष वही है हर जो कलाकार है। तो के चले गए, बहुत दुखद है, 53 साल की उम्र में समझ में नहीं आता, बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कहीं लापरवाही भी थी। लापरवाही ये है कि गौर करना चाहिए, मैं शायद इसको पार्लियामेंट में बोलूँगा या मैं लिख के भी दूँगा कि कलाकार जब परफॉर्म करे या क्लोज एंट्री हो तो हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा कि वहाँ एम्बुलेंस ज़रूर रहे, फर्स्ट एड ज़रूर रहे, जगह चोक ना हो, तो ये चीज़ों पे भी हम लोगों को गौर करना है। हमको कोई बताया कि वहाँ पे थोड़ी देरी हो गई उनको लेने जाने में, गिरे और जाने में फर्स्ट एड होता है, तो कोई भी परफॉर्मेंस हो तो ये हम लोगों को तय करना चाहिए, डीएम महोदय को या जो भी हैं, जहाँ पे भी इसको परमिशन मिली है, जिस शो पे जहाँ भीड़ आने वाली है कि वहाँ पर एम्बुलेंस भी उसमें लिखा हो परमिशन में कि आप अगर भीड़ ला रहे हैं तो एम्बुलेंस शुड बी देयर एंड फर्स्ट एड हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए किसी भी। तो ये के जाने के बाद ये चीज़ हमारे को स्ट्राइक हुई और मैं इसको लिख कर भी दूंगा, प्रशासन को भी दूंगा, उत्तर प्रदेश में भी और हमारे गोरखपुर में भी, कि यहाँ भी बड़े बड़े शोज होते हैं जहाँ भीड़ बहुत आती है और जब भी कुछ ऐसा हो, कभी गाड़ी फंस जाती है, आदमी निकल नहीं पाता क्योंकि क्राउड बहुत होता है, फैंस बहुत आते हैं, तो एक चीज़ वो है। दूसरा दुखद है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, अभी के सिद्धू मूसेवाल चले गए, ये पंजाब में उनकी हत्या हो गई, तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना ब्लैक काला बादल छाया हुआ सिनेमा इंडस्ट्री पर, म्यूजिक इंडस्ट्री पे। इस तरह से अचानक दो यंग, वो 53 के थे, सिद्धू मूसेवाल तो मात्र 28 साल के थे और उनको इन लोगों ने घेर के मारा, तो ये यहाँ पर पंजाब सरकार की विफलता है, आप सरकार की विफलता है। एक दिन पहले उनकी सुरक्षा हटाई गई और उनको घेर के इस तरह मारा गया, और इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी सिद्धू मूसेवाल की, पूरी दुनिया रो रही है, उनके फैंस अब सड़कों पे आ गए हैं और उनकी इतनी बेरहमी से हत्या हो गई। यहाँ पे पंजाब सरकार, आप सरकार जवाबदेही है क्यों उनकी सुरक्षा एक दिन पहले हटाई गई थी जब पता था कि उनको जान का खतरा था। तो मैं बार बार ये सवाल, मैं बहुत दुखी हूँ, ये दो आघात जो मिले हैं लेकिन ये जो हत्या हुई है ये बहुत सारी सवालों के घेरे में आप सरकार आती है और उनको जनता को जवाब देना। पंजाब की जनता शॉक्ट होगी कि जिनको हमने चुना था उन लोगों को ये झटका मिला है। तो पंजाब की सरकार, आप सरकार की विफलता की वजह से सिद्धू मूसेवाल, उनकी सिक्योरिटी की कमी की वजह से उनकी हत्या हुई है और इसकी जवाबदेही आप सरकार, कांग्रेस का पंजाब की सरकार है, वो आपकी सरकार है, केजरीवाल जी जवाब दें, भगवंत मान जी वहाँ जवाब दें जो मुख्यमंत्री है। देखिए वो के जी की मौत तो नॉर्मल हुई थी, वो हार्ट अटैक से हुई, बाकी सिद्धू मूसेवाल में 6 लोग पकड़े गए हैं,
बाकी पता चलेगा। ये बहुत बड़ा इसके अंदर एक रैकेट है, इसमें कौन कौन लोग मिले हैं, क्यों सुरक्षा हटाएगी, किसके आदेश में हटाएगी, कौन लोग जुड़े हैं, क्या राजनीति थी या नॉर्मल गैंग वॉर था या गैंगस्टर था, जो भी हो सब बातें आनी चाहिए क्योंकि हमारी बिरादरी के कलाकार बिरादरी के हैं और ये बात सबको जानना चाहिए। पूज्य महाराज जी ने जो काम किया यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के दौर में, 8 साल के दौर में प्रभु राम के मंदिर के गर्भशिला को कल वहाँ पर स्थापना हो गई। अब जो विपक्ष कहते थे सपा बसपा वाले कि मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, आज उनके मुंह पर उनको भी जान लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। पूरे विश्व का सबसे भव्य मंदिर होगा, पूरे विश्व के सनातनी धर्म 100 करोड़ हिंदू लोगों की आस्था जगी है। कल एक बहुत बड़ा दिन था, मुझे महाराज जी ने किया बहुत बड़ा दिन है, 5 जून को उनका उनका जन्मदिन है और ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि अयोध्या गए। अब प्रभु राम के मंदिर को हम लोग बहुत जल्द देखेंगे। हमको राज ठाकरे जी का नहीं पता, हमको महाराज जी का जन्मदिन पता है, हमको यह हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ गोरखपुर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी बहुत खुशी की लहर है। गीता प्रेस जाएंगे तो वहाँ सर्किट हाउस रुकेंगे, रामगढ़ झील जाएंगे, शाम को वहाँ म्यूजिक और लाइट शो देखेंगे, पूरा विश्व देखेगा गोरखपुर को राष्ट्रपति की आंखों के द्वारा। उस दिन पूरे विश्व का मीडिया की नज़र यहाँ होगी और हमारे गोरखपुर उस दिन पूरे भारत की नज़रों में चमकेगा जब राष्ट्रपति जहाँ जहाँ से गुजरेंगे लाइव चलेगा हर चैनल पे और मेरा पूरा भारत पूरा विश्व में जहाँ जहाँ हमारे भारतीय हैं उस दिन हमारे गोरखपुर को देखेंगे। तो गोरखपुर वासियों के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है, राष्ट्रपति जी का यहाँ आना, गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, गीता प्रेस जाएंगे, हम लोगों को संबोधित करेंगे, सर्किट हाउस रुकेंगे एक रात, वहाँ से रामगढ़ झील जाएंगे, पूज्य महाराज जी का सानिध्य रहेगा और वहाँ पर हमने महाराज जी ने जो गोरखपुर के लिए काम किया है पूरा देश देखेगा और हम लोगों का सीना उस दिन 4 और 5 तारीख को बड़ा गर्व से चौड़ा होगा। मैं पृथ्वीराज फिल्म के लिए कुछ जो लेफ्ट माइंडसेट के लोग हैं, जो लेफ्ट मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदू संस्कृति सनातन धर्म से जिनके पेट में अक्सर दर्द होता है, मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ, पृथ्वीराज जितने लोग हैं, जितने भी लोग इसका एक विपक्ष का एक आईटी सेल है जो इसके विरुद्ध में काम कर रहा है इस फिल्म को नहीं देखने के लिए, मैं सबसे हाथ जोड़ करके सांसद रवि किशन आप लोगों का रवि किशन कहना चाह रहा हूँ, आप लोग जाके देखिए पृथ्वीराज। डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने मेरे साथ मोहल्ला 80 फिल्म बनाई थी, उन्होंने बनाई और बहुत शानदार सत्यता के साथ सत्य बताया है पृथ्वीराज जी का, जो मुगल काल में और हमेशा इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज की छवि को धूमिल किया गया, वो सारी चीजों को कटाक्ष मारा गया। आप सब लोग जाके जरूर इस फिल्म को देखें पृथ्वीराज जी को। कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस फिल्म को प्रमोट किया, मैं स्वयं इस फिल्म को प्रमोट करता हूं क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को स्वयं जानता हूं, मैं इस कहानी को जानता हूं, ये स्क्रिप्ट क्या है, ये ऐसी सच्चाइयों को उजागर करेगी, मुगल्स कितने कायर थे वो पता चलेगा। पृथ्वीराज फिल्म आप लोग सब जरूर जाके देखें और पता चले कि कैसे कभी वहां नारा गुजेगा हर हर महादेव, क्योंकि ये नारा उस फिल्म में है जिसको लेके सारे लेफ्ट मानसिकता के लोग, जितने भी हिंदू विरोधी लोग हैं, इनके पेट में दर्द होता है जब भी जय श्री राम और हर हर महादेव सुनते हैं। तो आप लोग सब लोग जाइएगा फ्राइडे को ये फिल्म देखने के लिए। अब बात ये नहीं सुन लो, बात हो कि हमके बताए के बाद अच्छी चीज जब वो लोग प्रमोट करते हैं, जब वो लोग विरोध करते हैं तो हम लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं ऐसी कोई गलत चीज, सच्चाई को बाहर आना होगा। जैसे कश्मीर फाइल आई थी, सच्चाई को जब भी दबाया जाएगा, सच्चाई आने के लिए विरोधी एक आईटी सेल लगा, तब हमको बाहर आना पड़ा, तब हमारे गृह मंत्री को आना पड़ा। जब भी सच्चाई को छुपाएगा, हम अगर सच्चाई बता रहे हैं, इतिहास के पन्नों में कांग्रेस के दौर में सब जो इतिहास को फाड़ के फेंका गया, हमको औरंगजेब और अकबर पढ़ाया गया, हमको हुमायूं पढ़ाया गया, तब हम लोगों को बाहर आना पड़ता है, तब बोलना पड़ता है। हम ऐसे नहीं आते, ना हमारे गृह मंत्री कभी आके बोलते हैं। जब मेरे इतिहास को बताया जा रहा है तो आपको उसको विरोध नहीं करना चाहिए, हम आपको सच्चा इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो हमको गलत इतिहास बचपन से पढ़ाया गया, हम लोग को गलत भारत दिखाया गया। पहले 5 लाख पंडितों के मारे गए, आप लोगों को भी जानना चाहिए, इतिहास में मारे ही गए हैं हम लोग और मारे जा रहे हैं, अब जाना जा रहा है क्योंकि अब सब एकाग्र हुए हैं। देखा हो बचपन से हम मंदिर जाते हो जाए, हम जब भी जाते थे महादेव यहाँ बैठे रहते, मैं वहाँ देखते थे नंदी जी बैठी, सवाल उठता था, बुद्धि चलती नहीं थी हमारी कि नंदी जी वहर कहाँ ताकत है मस्जिद की ओर। आज वो सारी चीजें बाहर आ रही, स्वयं को महादेव हैं, अपने आप को स्वयं जागृत कर रहे हैं,
जहाँ जहाँ ध्वस्त किए गए, जहाँ जहाँ हमारे भगवानों को नष्ट किया गया 500 साल पहले, 800 साल पहले, अब वो सारे भगवान, वो सारी एनर्जीज खुद स्वयं अपने आप को जागृत कर रही हैं। सत्य जो होगा माननीय उच्च न्यायालय में है, मैं एक सांसद के रूप में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, न्यायालय का जो भी आदेश होगा वहां पे शिवलिंग है तो हमको सबको प्रेम से मानना होगा, जैसे प्रभु राम के मंदिर के लिए अयोध्या में हम सब माने, हम लोग सब लोग एक संस्कृति में चले, हम लोग कोई दंगा फसाद में ना फंसे, हिंदू भी प्रेम से रहे, मुसलमान भी प्रेम से रहे, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे, हाथ जोड़ करके उसको मानेंगे। अगर शिवलिंग न्यायालय कह देगा वहां नहीं था तो हिंदू धर्म, हिंदू समाज उसको भी प्रेम से मानेगा, मुसलमान समाज को भी मानना होगा अगर वहां शिवलिंग था, और दंगा फसाद में नहीं फंसे पड़े, क्योंकि कानून लॉ ऑर्डर अभी बहुत स्ट्रांग है, आप लोग किसी भी गलती में ना पड़े। तो मैं नहीं चाहूंगा किसी के बहकावे में आए, ना कोई संत साधु के आए, ना किसी मौलाना के बहकावे में आए, उच्च न्यायालय को आप लोग पालन करें, डेमोक्रेसी में हम लोग जी रहे हैं, कानून के साथ हम लोगों को चलना है। जनपद में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर एसपी ट्रैफिक ने रूट डायवर्जन किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि 4 जून को राष्ट्रपति के जनपद में आगमन पर सर्किट हाउस के तरफ जाने वाले व आने वाले सभी प्रकार के वाहन को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा गीता प्रेस की तरफ आने वाले व जाने वाले वाहन को भी प्रतिबंधित किया गया है। यह सभी वाहन को जाने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। इसी तरह गीता प्रेस की तरफ जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, जिनके पास पास रहेगा वही व्यक्ति जा सकेंगे, बाकी लोग डायवर्जन रोड पर ही आएंगे व जाएंगे। उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग को भी प्रतिबंधित किया गया है, सभी वाहन डायवर्जन रोड पर ही आएंगे व जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार के आगमन पर उनका जो कार्यक्रम स्थल है सर्किट हाउस और गीता प्रेस गोरखपुर, इन जगहों के लिए जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर आम जनता का सभी प्रकार की गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी, छोटे और बड़े वाहन कोई नहीं आएंगे, सभी के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था दी गई है, और हर जगह से गुजरने वाले एम्बुलेंस के लिए हमने विशेष बंदोबस्त किया है ताकि किसी नागरिक के लिए ज़रूरत के समय में कोई परेशानी ना हो। अभी स्पेशली घोष कंपनी से रेती की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं, केवल आमंत्रित व्यक्तियों के लिए या ड्यूटीरत व्यक्तियों के लिए ही जाने की अनुमति है। तो आम जनता से ये अनुरोध है कि जो डायवर्जन हमने मीडिया में भी दिया है, और सब लोग अनावश्यक मूवमेंट ना करें और उस डायवर्जन को फॉलो करें। राजघाट पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विस्तोई ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को अमरूद बाग चक्रा दोयम से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मनोज पुत्र जल्लू निवासी अजवेनहा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा बुधिराम पुत्र स्वर्गीय सुखराज निवासी सुरैना थाना हरपुर बुधहट गोरखपुर, तीसरा शत्रुधन पुत्र लालसा निवासी इटहिया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर, चौथा श्रीनिवास शर्मा पुत्र स्वर्गीय रामचरण शर्मा निवासी भीटी थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 6 किलोग्राम यूरिया एवं 20 किलोग्राम नौसादर बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 4 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, कांस्टेबल मंगलदीप, देवेंद्र कुमार, गोरख सिंह, कुंदन कुमार, अशोक कुमार, मनोज सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, Thank you.
गोरखपुर में कच्ची शराब के विक्रय एवं निष्कर्षण पर रोक लगाने के लिए आज एक प्रातःकाल में मुखबिर खास की सूचना पर थाना राजघाट ने अमूर्तानी एरिया में रेड की और रेड के माध्यम से उन्होंने 500 लीटर कच्ची शराब, 5 किलो 6 किलो यूरिया एवं 20 किलो नौसादर बरामद किया है एवं उसके साथ में शराब बनाने की मशीनें एवं अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके साथ में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और इन लोगों के खिलाफ IPC 272 एवं 60/2 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सदर सांसद रवि किशन एवं बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने प्रेस वार्ता करके बताया कि पहले सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर बनती थीं, लेकिन जब से देश में मोदी सरकार बनी है एक एक योजनाओं का लाभ सीधे आमजन को मिल रहा है। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर देश में एक निशान विधान एक प्रधान की संकल्पना को साकार किया है। वहीं 3 तलाक जैसी भी कार्य नियमों से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए 3 तलाक कानून को रद्द किया। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही प्रभु श्री राम मंदिर पर निर्णय मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में किया है। उन्होंने बताया कि देश में माताओं बहनों और खाना बनाते समय उत्पन्न धुएं से आपदाएं बीमारियों का सामना करना पड़ता था, आंखों की रोशनी भी चली जाती थी। इस गंभीर समस्या से मुक्ति दिलाते हुए 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन देकर देश की आधी आबादी के जीवन को सुगम किया तथा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 2004 से 2014 तक मात्र 8,04,000 घरों का निर्माण हुआ, जबकि मोदी सरकार में 2015 से 2022 तक कुल 58,59,000 घरों का निर्माण कराकर ऐतिहासिक कार्य किया। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2006 से 2014 तक मात्र 1,08,000 आवास बने थे, जबकि 2014 से 2022 के बीच 2,55,000 घर बनाए गए तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 3 समान किश्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसानों को दिया जा रहा है। पूरे देश में पहली बार ऐसी योजना शुरू हुई है जो किसानों के लिए प्रत्यक्ष समर्थन है। इस योजना के अंतर्गत 11,78,00,000 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, जिला उपाध्यक्ष हरकेश राम त्रिपाठी, महानगर उपाध्यक्ष ब्रजेश मणि मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी KM मछवार, महानगर मीडिया प्रभारी चंदन आर्य, मनोज अग्रहरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन एवं बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा, आज ये आवाज और ये आज जो बातें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण है रिपोर्ट टू नेशन। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 8 साल पूर्व हुए। इन 8 सालों में उनके कार्य पूरा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। नए भारत की रचना रची उन्होंने, ऐसा भारत जिसकी कल्पना हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने शौचालय, भैया वो पीछे जो भी बैठे हैं कृपया थोड़ी देर के लिए शांति रखें, आप लोग दरवाजा बंद कर दें। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने, भारत ने अपनी रचना भारत की कल्पना बदलने लगी। शौचालय हो, गैस चूल्हा हो, गरीबों का कल्याण हो, अनाज हो, 370 हो, वो सारी योजनाएं, उसमें सारी चीजें जो कारगर हुई वो देश ने देखा। देश एक नई गति में आ गया। देश जहां निराश हो गया था, देश जहां टूट गया था, देश ने अपनी ऊंचाई ली,
देश एक ऊंचाई पर आने लगा। उन्होंने निःशुल्क उज्ज्वला कनेक्शन जो शुरू किया, उससे हमारी माता, मेरी माँ गांव में रहती, उनको भी फायदा हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत गरीबों का कल्याण हुआ, जो हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि लोग झुग्गी झोपड़ी में रहेगा गरीब आदमी। भारत में 80 करोड़ देहात में लोग रहते हैं और गरीबी रेखा से बहुत लोग नीचे रहते थे 2014 के पहले। उस सारी योजनाओं को बदलना प्रधानमंत्री आवास योजना ने, न जाने कितने लोगों को मदद किया। 1 करोड़ 8 लाख आवास बने थे 2014 से 2022 के बीच में, 2 करोड़ 55 लाख घर बनाए गए। जनधन योजना जो प्रधानमंत्री जी लाए, उससे बहुत गरीबों का कल्याण। जनधन योजना के अंतर्गत देश में 45 करोड़ नए खाते खोले गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसानों को दिया जा रहा है। पूरे देश भर में योजना शुरू हुई। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शिमला से 21,000 करोड़ रुपया 10 करोड़ किसान भाइयों के खाते में डाला था, जो शिमला से उनके साइलेंट कह दो ए भैया साइलेंट कह दो 2 मिनट प्रेस के बाद जो बात करना करो थोड़ा सा आप लोग समझा करो। सौभाग्य योजना, इस योजना के अंतर्गत हर किसी के घर बिजली पहुंचाया जा रहा है। उजला योजना, मृदा योजना, किसानों को लगभग 23 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया। आयुष्मान भारत योजना, इसमें विश्व की सबसे बड़ी योजना हुई है। गरीब कल्याण योजना अंतर्गत देश में 80 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा से सुनिश्चित किया गया है। घर हर घर जल योजना, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अब ये सबसे बड़ा जो सपना शुरू हो रहा है कि हर घर में 135 करोड़ के हर व्यक्ति के, हर परिवार के घर में हर घर नल से जल मिलेगा। ये माँ गंगे से लेके हम आप गोरखपुर में जहाँ बैठे हैं, यहाँ एम्स, हर जिले में मेडिकल की सुविधा, ये कोविड काल में वैक्सीन बना के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने न कि पूरे देश को, भारत को बचाया, बल्कि विश्व में, विदेशों में, अनगिनत देशों में भी हमारी वैक्सीन गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ लोग कह रहे थे, जहाँ विपक्षी कह रहे थे कि देश बचेगा नहीं, इस कोविड काल में निकलेगा नहीं, वहां पर देश को बचाया गया। अगर उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात आई तो सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया, दुश्मनों को जवाब भी दिया गया। विश्व में आज एक हमारी पहचान बनी, नहीं तो यही पड़ोसी मिल्क हम लोगों को डराते थे, धमकाते थे। आज हर तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, अगर माइक्रो डिटेलिंग में मैं साफ शब्दों में कहूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक देश को एक नई दिशा दी, ऊर्जा दी। सबसे ज़्यादा युवा हमारी बेटियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि विश्व में 65% हमारी आबादी युवाओं की, यंग जनरेशन है, उनके लिए एजुकेशन है। फिर जब उन्होंने कहा कि मैं डिजिटल भारत बनाऊंगा, तो बड़ी हमारे अपोजिशन लोगों को लगा कि पॉसिबल नहीं है, डिजिटल कैसे हो सकता है, कैसे ये देश इतना गांव देहात कैसे करेगा। आज उन्होंने साबित कर दिया, आज गांव देहात में डिजिटल तरीके से सब लोग कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड पे भी लोग चल रहे हैं, टैबलेट सभी बांट के। हमारे गोरखपुर मंडल में कुछ महाराज जी ने करीबन राज्य सरकार द्वारा 10 लाख टैबलेट बांटा गया, उसमें वो टैबलेट अभी भी हर बच्चों को हर जगह पे पढ़ाई के लिए काम आ रहा है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। आज हमारे बच्चों को रोजगार के लिए राज्य सरकार ने भी यहाँ पर इतनी चीज़ें मुहैया करवाई हैं। आप गीडा फैक्ट्री देख लीजिए, आप फर्टिलाइजर देख लीजिए, आप चीनी कारखाना देख लीजिए, अभी 1,200 करोड़ का निवेश हुआ गीडा में, तो उससे मेरे हमारे यहाँ के बच्चों को भी काम मिलेगा। कुछ महाराज जी भी चाहते हैं कि एजुकेशन हब बने। आज गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, अब हमने भी जो डिमांड की है गोरखपुर यूनिवर्सिटी को केंद्र से जुड़ने की, अनगिनत डिमांड्स जो हमारी भी रही, विश्व पर रिंग रोड बाईपास है, लॉजिस्टिक पार्क है, तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारे नेता ऐसे हैं, तो हम लोग एक नीचे स्तर पर आके, एक सांसद या एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी किसी तरह से कोई कमी नहीं रखता। अब टेक्सटाइल पार्क आपके इसी गोरखपुर में आ रहा है, प्लास्टिक पार्क आ रहा है, फूड पार्क आ रहा है, ये अनगिनत मत्स्य अनुसंधान केंद्र आ रहा है, भेड़ बकरी केंद्र प्रशिक्षण आ रहा है, बदक का आ रहा है, चिड़िया घर है, रामगढ़ झील को देखिए, आज बम्बई का नेपेंसी रोड का मैं आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, 3 फिल्मों की शूटिंग गोरखपुर में हो रही है, कितनों को रोजगार मिल रहा, कलाकारों के लिए, परीक्षा ग्रह के लिए भी प्राइस ज्यादा थी महाराज जी से बोले, कलाकारों के लिए भी सोचा जा रहा है, इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री को भी यहाँ सेटअप
सेटअप करने जा रहा है। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी गोरखपुर में भविष्य देखा जा रहा है। आने वाले समय में गोरखपुर एक बहुत बड़ा हब बन गया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इन 8 सालों में उनके दिए हुए सपने, उनके पदचिन्हों पर चल के पूज्य महाराज जी राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की दिशा दशा बदल दी। कानून से आज हम लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कानून लॉ एंड ऑर्डर को मानते थे, डिसिप्लिन को मानते थे, उसी को लेके हम लोग चले हैं। आज इसी दिशा में आज उत्तर प्रदेश को नंबर 2 GDP इकोनॉमी रेट में आया। और अभी आपने देखा होगा लास्ट वीक में आया इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की आई है, उसमें इंडिया हाईएस्ट नंबर पर भी इसमें ग्रोथ कर रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। हम लोग की इकोनॉमी भी बहुत आगे बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व की नज़र है कि आने वाले समय में हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। ये खुद हम नहीं कर रहे हैं, विदेश की दूसरी कंट्रीज हैं, मेरे दोस्त मित्र हैं, कुछ एम्बेसीज के, जैसे अभी ब्रिटेन एम्बेसी को हमने न्योता दिया था, ब्रिटेन एम्बेसी यहाँ गोरखपुर में आई थी। उनका मानना है कि आने वाले समय में वर्ल्ड की छवि पर हम लोग एशिया के विश्व गुरु कम समय में दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन के जो सपना है वो हमको लगता है 2025 तक हम लोग वो पूरा कर जाएंगे, क्योंकि जो हिसाब से हमारी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हर आदमी विश्वास कर रहा है कि भगवान प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बन रहा है, सनातन संस्कृति की रक्षा भी हो रही है, सुरक्षा भी हो रही है। वो सारी बातें जो हम लोग चाह रहे थे, हम लोग जो सोच रहे थे कि पॉसिबल नहीं होगा इस देश में, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, सुरक्षा नहीं थी, माफिया थे, बाहुबली थे, किडनैपिंग हो रही थी, धर्म संस्कृति के साथ छेड़वाड़ हो रहा था, लव जिहाद चल रहा था। ये सारी चीजों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 2014 में प्रधानमंत्री बनना, दिशा दिशा देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके गृह मंत्री जी से लेके पूज्य महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी के जो अद्भुत 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एकाग्र होके इस देश को लेके चलना, ये सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों के वजह से हुआ, उनकी ईमानदारी के वजह से हुआ। एक निस्वार्थ त्यागी जब आपका मुखिया बन के आता है इस भारत को, 135 करोड़ की आबादी को, तब ये भारत इस दिशा में पहुंचता है। हम लोग धन्य हो गए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के जीते जी प्रभु राम का मंदिर भी देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ भी देख रहे हैं, हम लोग के जीते जी हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है, एजुकेशन, हम हमारे बच्चे यहाँ देश से विदेश पढ़ने नहीं जाएंगे, रोजगार मुहैया, हम लोग के जीते जी गोरखपुर आज स्वर्ग की जैसा बन गया है कि फिल्मों की शूटिंग हो गई, लोग यहाँ टूरिस्ट हब बन गया, चिड़ियाघर है हमारे पास, हमारे पास एयरपोर्ट जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, अभी हमारी लेटर पे सब 43 एकड़ अभी जमीन एक्वायर हो गई थी, जो पूज्य महाराज जी और रक्षा मंत्री सब ने मदद की, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी हो गए कि अभी हम लोग अपना खुद का एक एयरपोर्ट यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं और सारी चीजें हुई, ये शुरू हुई क्योंकि आपके मुखिया यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आपके मुखिया पूज्य महाराज जी हैं, जो उनके पद चिन्हों पर उसी को जमीन पर उतारते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जो निराला बनाती है, अद्भुत बनाती, विश्व का सबसे बड़ा लीडर बनाती, उनके कथनी करनी में अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको जमीन पर उतारते हैं। अगर बोला गया है, कार्यकर्ता से लेकर सांसद, विधायकगण, मंत्रीगण सब लोग लग जाते हैं, एकाग्र होकर एक दिशा में काम करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का पावर है। 20 घंटे जब वो स्वयं काम करते हैं, हमारे पूज्य महाराज जी 20 घंटे काम करते हैं, तो हम सब लोगों को भी एक 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 लीडर के रूप में देखने मिलता है। हम लोगों में भी थकान नहीं आती, हम लोगों में भी आलस नहीं आता, हम लोग भी पिछली सरकारों की तरह लूट खसोट के एसी में सोते नहीं हैं, हम लोग अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं। इस तरह से एक लूट खसोट को खत्म कर दिया गया, बिचौलिया लोगों को खत्म कर दिया गया, कमीशनखोरों को खत्म कर दिया गया, उनका रास्ता अलग कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ पार्टी बनके पूरे देश के सामने उभरी है। सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री की, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी बनाने नहीं आया हूँ, यही सपने ने आगे बढ़ाया। जनता का पैसा सीधे जनता के पास जा रहा है, जनता का टैक्स का पैसा भी किसी मंत्री के, किसी मुख्यमंत्री के या किसी और नेता के घर में या उसकी प्रॉपर्टी में नहीं जा रहा, जनता का पैसा सीधे जमीन पर उतर रहा है। वो गांव देहात में देख रहा है, सरकारी स्कूलों में, हम लोग की स्कूल जब हम लोग गांव में पढ़े थे, स्कूलों की हालत खस्ता थी, आप आज जाके देखिए हमारे स्कूल, आज आप जाके देखिए हमारे सरकारी अस्पताल, आज आप जाके देखिए वो सारी सरकारी सुविधाएं। अब सोचिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये सपना कौन सोच सकता है, एम्स कौन सोच सकता है। 12 एयरपोर्ट्स आज हमारे पास उत्तर प्रदेश में है, अनगिनत हमारे पास, अब गीडा जैसे हमारे पास 2
2000 एकड़ जमीन है हमारे पास गीडा में, 2000 एकड़ जमीन में हम लोग वन विंडो क्लियरेंस के साथ सबको निवेश के लिए इनवाइट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ आ रही है, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक बाइक्स बन रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ पे बन रही है, टेक्सटाइल हब बन रहा है, टेक्सटाइल यहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं। तो हजारों लोगों को बंटानिया जैसे गाँव को पूज्य महाराज जी ने, जिनको कभी अपना आधार उनकी आइडेंटिटी नहीं थी, बंटानिया गाँव को उन्होंने सुधार के यशस्वी पूज्य महाराज जी ने उसको भी सुधार भैया यशस्वी पूज्य महाराज जी ने उसको भी एक दिशा और दशा दे दी। तो आज हम लोग धन्य हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण यही था कि हम लोग अगर वो 370 हटाना हो, ट्रिपल तलाक हटाना हो, कश्मीर को आज़ाद करना हो, वहाँ तिरंगा फैलाना हो, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, सेना को बल देना हो, दिवाली सेना के साथ मनाना हो, गरीबों के साथ जीना हो, बेटियों के लिए जीना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करना है, घर में चूल्हा शौचालय मकान दुकान आयुष्मान 5 लाख देना, किसान सम्मान निधि देना, ये सब सपना हम कभी सोच नहीं सकते थे। आप लोगों को गौर करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बात होनी, बात है एक ऐसे लीडर की कि इतनी डिटेलिंग में कौन सोचता था, इतनी डिटेलिंग में किस प्रधानमंत्री ने हम लोगों के लिए सोचा। जनता का पैसा, हम ही लोगों का टैक्स हम लोगों के गांव देहात में दिख रहा है। आज जनता खुश है, आज जनता सुरक्षित है, आज बेटियां सुरक्षित है, आज क्राइम लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में है, आज हम लोग किसी करप्शन को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। हम लोग धन्य है कि एक नया भारत, एक सुपर पावर भारत बनने की ओर है। ये 8 साल इनके इतने अद्भुत बीते, महादेव से प्रार्थना है, हम माननीय सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भगवान से मनोती करते हैं कि हम लोग धन्य हो गए कि हमको यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहां मिले, पूज्य महाराज जी हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मिले, हम लोग का जीवन धन्य हो गया, आवाज में बुलंदी आ गई कि आज हम लोग बोलते हैं, हर जगह जाते हैं, हम लोगों को सम्मान मिलता है, हम लोग के पास अनगिनत कार्यों के लिए इतना कार्य है कि हम लोग को एक पोथी लेके चलना पड़ता अपने कार्यों को गिनवाने के लिए, इतना काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूज्य महाराज जी ने किया। जब वहां पे जहां भी निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं, निस्वार्थ भाव होता है, वहां कार्य होता है, और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गुणगान कर रहा है। हम गोरखपुर से, ये गोरखपुर के बेनीगंज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम लोग धन्य हैं, उनका आभार, उनको प्रणाम करते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे लीडर मिले, ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले जिनको लेके आज हम लोग का सीना चौड़ा होता है। हम लोग जहाँ गाँव देहात में जाते हैं लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि सारी योजनाएं जमीन पर उतरी हैं, और कोई भी है इसमें कोई करप्ट, बेस्ट है कि कोई जीरो करप्शन है, जीरो करप्शन है, ये पावर है भारतीय जनता पार्टी का, जीरो करप्शन है। माफियाओं पर दबंगई है कि उन लोग जितने दबंगई की उस पर बुलडोजर भी चला है, गलत कार्य करने वालों को कोई बढ़ावा नहीं है। अब इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में धन्यवाद देना चाहूंगा मैं समस्त मीडियागण से, और मैं चाहूंगा कि मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मेरे पूज्य महाराज जी, इनको महादेव बहनों की उम्र दे दे, इनको और शक्ति दे कि मेरा भारत, मेरे बच्चों का, मेरे आने वाले भविष्य का, मेरी पीढ़ी का एक भारत सुंदर हो, और मेरे बच्चे खुशहाल रहें, मेरा भारत एकदम ऐसी तरह सुपर पावर बनता रहे, और सर्जिकल स्ट्राइक भी करे, 370 भी करे, ट्रिपल तलाक भी लाए, और सनातन संस्कार की रक्षा भी करे, और रोजगार भी दे, बढ़ावा भी दे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी दे, विद्या का केंद्र बने, हमारे बच्चे आज गोरखपुर पे IAS IPS में इंडिया में 54 नंबर पे, वो लड़का अर्पित गुप्ता यहाँ हमारे सजनवा का आया, 3 बच्चे हमारे यहाँ से IAS और IPS बने हैं। तो ये चाहें कि अनगिनत बच्चे मेरे गोरखपुर से भी बने, हमारा एक ज्ञान का केंद्र बने, रोजगार मिले, फिल्मों की शूटिंग हो, फैक्ट्रीज हो, बहुत सारे सपने हैं, आज लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, हर जहाज फुल आ रहा है, बड़ी खुशी होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को लेके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने प्रधानमंत्री को, समस्त गोरखपुर की जनता की ओर से, हमारे जितने माननीय सांसद विधायक और जितने भी हमारे मंत्री जन अध्यक्ष की ओर से, आपको प्रधानमंत्री जी 8 साल पूरे होने पर धन्यवाद देता हूँ। समस्त भारत आपको प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है, धन्य है आपको हम लोग एक प्रधानमंत्री के रूप में पाके। हर हर महादेव। रवि किशन जी ने अभी विस्तार से हम लोगों के 8 साल सफलतम पूरा होने के खुशी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बेमिसाल 8 वर्ष पूरे किए हैं, और मैं ये कह सकता हूँ
कि पिछले 8 वर्षों में देश की स्थिति पहले और अब में अगर हम तुलना करें तो बहुत फर्क हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, सिर्फ सांसद ही नहीं पूरे देश का एक एक नागरिक सौभाग्यशाली है कि हमको आदरणीय मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। आदरणीय रवि किशन जी ने विस्तार से बातों को बताया है, मैं उन सभी को संबंध करते हुए सिर्फ 8 बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी अगर नहीं आते और पिछले 8 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने कार्य किए हैं, जो समाज का आखिरी व्यक्ति था जो अपने अधिकार के लिए वंचित था, अधिकार के लिए उम्मीद करता था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम सरकार के लोग मदद करेंगे, तो मैं कह सकता हूं आदरणीय जब मोदी जी आए तो समाज का जो आखिरी व्यक्ति था उसको घर भी दिया और घर के साथ हमने बिजली भी दिया और घर को हर घर को नल पानी भी देने का कार्य किया सर, मतलब घर के साथ हमने सभी व्यवस्था किया जिससे पहले सरकारें सिर्फ या तो बिजली दे देती थी या तो आवाज़ दे देती थी, आवाज़ देती थी तो बिजली नहीं, बिजली देती तो पानी नहीं, पानी देती थी तो वृद्धा पेंशन नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम अपने समाज के सभी वर्गों को, जहाँ हम गरीब की बात करते हैं हम वहाँ उद्यमी की बात करते हैं, हम वही समाज के हर तबके को मदद करने का काम किया। आज मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में जिस मजबूती के साथ अपने अगल बगल देशों की सहायता करता है वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी के नाम पर ही संभव हो पाया। ये लीडरशिप रही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कि पूरे अपना जहाँ पर देश की सेवा किया, जहाँ गरीबों की सेवा किया, जहाँ विकास की एक नई क्रांति पूरे देश में लाया। हम पहले एम्स की बात करते थे, सिर्फ 1-2 एम्स हुआ करते थे, आज हमने मात्र 8 साल में करीब पूरे विश्व में पूरे देश में हमने 8-12 एम्स खोलने का काम किया। साथ ही हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। कोरोना काल में जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने अपने विवेक का परिचय दिया और पूरे देश में जिस तरह उन्होंने उसको हैंडल किया, मैं कह सकता हूँ कि अगर जो मोदी जी ना होते तो इससे बहुत बुरा हाल होता हमारे देश का। साथियों, मैं एक बार पुनः 8 साल सफलतम पूरा होने पर अपने बांसगांव की सम्मानित जनता की तरफ से, गोरखपुर की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और सभी अपने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से सफलतम 8 साल पूरा होने पर एक बार पुनः बधाई देते हुए अपनी बात कहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में होने वाले तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होगी गीडा की दमदार भागीदारी। 1,892 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं से 4,657 नए रोजगार का मार्ग होगा प्रशस्त। जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक, सभी अधिकारियों को ड्यूटी के प्रति किया ब्रीफ। गोरखपुर न्यूज के कैमरे में कैद हुई लाइव गिरफ्तारी। 1 जून को कलेक्ट्रेट के रजिस्ट्री ऑफिस पर फर्जी जमीन का मालिक बनकर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। रमेश कुमार के नाम का फर्जी आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रदेश के जीआरपी के एडीजी पीयूष गोयल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक, महिला संबंधी अपराधों गैंगस्टर गुंडा एक्ट के तहत अपराधियों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। परफॉर्मेंस ग्रांट में चयनित पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत निवास में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, सुनी जनता की समस्या, शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सदर सांसद रवि किशन, मशहूर सिंगर के निधन एवं सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर हुए दुखी, कहा मूसेवाला की हत्या में है पंजाब सरकार की लापरवाही, इस हत्या की जवाबदेही केजरीवाल या फिर भगवंत मान जी की।
को प्रस्तावित राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एसपी ट्रैफिक ने किया रूट डायवर्जन। नौकायन, गीता प्रेस, गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले सभी वाहनों को किया गया प्रतिबंधित। कहा, रूट बदल कर ही वाहन जाएंगे अपने गंतव्य को। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर सदर सांसद रवि किशन एवं बांसगांव सांसद कमलेश पासवान मीडिया से हुए रूबरू। कहा, पहले सरकारी योजनाएं बनती थी सिर्फ कागजों पर, मोदी सरकार में एक एक योजनाओं का लाभ मिल रहा है सीधे आमजन को। राजघाट पुलिस ने 4 अभियुक्तों को अवैध कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार। 500 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 20 किलोग्राम नौसादर और 6 किलोग्राम यूरिया किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। बरसात से निपटने की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, जिले के बड़े व छोटे नालों की तेजी से करवाई जा रही है सफाई, जनपद में नहीं होने दिया जाएगा जल जमाव। फूड सप्लीमेंट बेच रहे मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस एवं पंजीकरण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गोरखपुर एवं दवा विक्रेता समिति के तत्वावधान में लगाया गया 2 दिवसीय पंजीकरण कैंप। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रतिमा त्रिपाठी ने बताया, 12 लाख सालाना से अधिक टर्नओवर पर 2000, 12 लाख सालाना से कम टर्नओवर पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क है मात्र 100 रुपये। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की बैठक। पशुओं के लिए भूसा डोनेशन कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर राइट टू नेशन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को सदर सांसद रवि किशन ने अंग वस्त्र प्रदान कर किया अभिनंदन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ऐतिहासिक 8 वर्ष की सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को हो रही है समर्पित। और शहरी निकाय विकास कार्यों के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय।
भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन की बरसात से निपटने की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शहर में जो 13 मुख्य नाले हैं, उन सब की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। जो गोड़धुइया नाले का, जहां पर 51% पानी का जल निकासी होता है, उसकी सफाई का कार्य 51% से ज्यादा हो गया है। रामगढ़ताल के ट्रेजिंग का कार्य पूरा हो गया है। मुख्य सड़कों पर नाली निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। शासन के द्वारा 200 से ज्यादा कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिसमें विकसित नालों का सुंदरीकरण का कार्य 15 जून तक किया जाएगा। इसी प्रकार बाढ़ से निपटने के लिए जो कार्य चल रहा है, उसको भी 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शहर में जो 13 मुख्य नाले हैं, उन सबकी सफाई पूर्ण कर दी गई है। गोड़धुले नाला, जहां हमारे 51% पानी जल निकासी होती है, अंतिम निकासी होती है, उसके लिए कार्य लगभग 90% से ऊपर हो गया है। रामगढ़ ताल के ड्रेजिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्य सड़कों पे नाली निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। जो करीब 200 से ज़्यादा काम शासन द्वारा स्वीकृत किए गए थे, नए नाले निर्माण और वर्तमान विकसित नालों का सुदृढ़ीकरण का कार्य, वो भी 15 जून तक पूर्ण किए जाएंगे। इसी कगार में जो बाढ़ से संबंधित कार्य हैं, जो स्वीकृत हुए हैं, वो भी मिशन मोड में चल रहे हैं, जो 15 जून तक पूर्ण किए जाएंगे। बरसात के पहले सारी तैयारियां पूर्ण की जाएंगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गोरखपुर एवं दवा विक्रेता समिति के तत्वावधान में टाउन हॉल स्थित भालोटिया कैंपस में लाइसेंस एवं पंजीकरण हेतु खाद्य कारोबारकर्ताओं का जागरूकता का 2 दिवसीय कैंप लगाया गया, जिसके संबंध में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रतिमा त्रिपाठी ने बताया कि जो फूड सप्लीमेंट बेच रहे मेडिकल स्टोर के दुकानदारों के लिए यहाँ पंजीकरण कैंप लगाकर किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल स्टोर का 12 लाख सालाना से अधिक टर्नओवर है, उनकी वार्षिक शुल्क 2000 रुपये है, और जिनका 12 लाख सालाना टर्नओवर से कम है, उनके लिए वार्षिक शुल्क मात्र 100 रुपया है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, बिजली बिल की फोटोकॉपी या ड्रग लाइसेंस की कॉपी लगेगी। वहीं दवा विक्रेता के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार खाद्य विभाग द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी लोग जागरूक किया गया है कि पंजीकृत रहें, सबका जीएसटी फूड ड्रग में लाइसेंस में समाहित हो जाए। उन्होंने कहा कि बुधवार को 10 लाइसेंस और 76 पंजीकरण और दूसरे दिन 7 लाइसेंस 73 पंजीकरण हुआ। इस कैंप के माध्यम से काफ़ी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, लाइसेंस बना और व्यापारियों को सुविधा भी मिली। इस अवसर पर फूड सेफ्टी ऑफिसर अनिल कुमार सिंह, अरुण कुमार शुक्ला, नथु कुशवाहा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस कैंप के बारे में गोरखपुर न्यूज़ को फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रतिमा त्रिपाठी ने विस्तृत जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, ठीक है, आप जरूर तरफ करा दीजिए, फोटो काफ़ी फोटो बनाए हैं, फोटो काफ़ी कराना लगी है, तो वो तो जीएसटी नहीं है, आप इसकी दोनों तरफ का फोटो का दिखाइए, दुकान का पूरा पता, फर्म का नाम, प्रोप्राइटर कौन है, उसके पिता का नाम कहाँ पे है, वो चाहते आने के साथ जो आधार कार्ड में है, इसका पूरा पता, पूरा आप 1.5 लाख है, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए।
कैंप लगाया गया पोल्ट्री मार्केट में। हाँ, ये फूड सप्लीमेंट्स के लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया। इसमें कल से आज तक कल कुछ 76 लोगों ने ऑनलाइन कराया रजिस्ट्रेशन और 10 लोगों ने लाइसेंस कराया और आज 37 रजिस्ट्रेशन आए हैं। अभी तक अभी आ ही रहे हैं यहाँ पे जितने लोग फूड सप्लीमेंट्स बेचते हैं मेडिकल स्टोर के लिए। कितने आवेदन आ चुके हैं, किस तरह का आवेदन किया जा रहा है? अभी तक आज 37 आए हैं और कल 76 रजिस्ट्रेशन और 10 लाइसेंस आए थे। ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद हमको दोनों के मौके पर जाना पड़ेगा। किस तरह का शुल्क लिया जा रहा है और कितना शुल्क लिया जा रहा है? इसके लिए दो तरह के हैं, एक तो अप टू 12 लाख, जिनका 12 लाख तक का टर्नओवर है उनकी एक साल की फीस, 12 लाख से ऊपर की है उनकी एक साल की फीस 2000 रुपये है। मैक्सिमम 5 साल तक के लिए आवेदन करा सकते हैं, तो 5 ईयर्स तक का आवेदन जो कराना चाह रहे हैं उनको 5 ईयर की फीस लेंगे। टर्नओवर वाला ऊपर वाला है कि नीचे वाला? नाम बताइए। मेरा नाम है योगेंद्र नाथ दुबे, दवा विक्रेता समिति गोरखपुर का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का प्रदेश प्रवक्ता और जनसंपर्क अधिकारी हूँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने जो 100 दिन का कार्य योजना बनाया था कि प्रदेश में जो है उसमें दवा व्यापारियों के लिए भी खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके तहत हम लोग खाद्य अधिकारी से मिले और उन लोगों ने फूड इंस्पेक्टर जितने थे सबको भेजा भालूटिया मार्केट में और एक निर्धारित हुआ कि एक कैंप लगा दिया जाए जिससे जो शहर के या जनपद के अन्य लोग हैं एक जागरूकता आएगी और जिन लोगों का भी लाइसेंस फूड का नहीं बन पाया वो लाइसेंस बनवा लेंगे और पंजीकरण करवा लेंगे। इसी के तहत 1 और 2 जून का समय निर्धारित हुआ था। कल भी अधिकारी लोग आए थे फूड के, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है अनिल कुमार सिंह जी आए थे, अरुण कुमार शुक्ला जी थे, प्रतिभा त्रिपाठी जी थी, नथु कुशवाहा जी, ये आज भी लोग आए हुए हैं और कल भी आए थे। कल जो है हमारे यहाँ लाइसेंस 10 लाइसेंस बना है और 76 पंजीकरण हुआ है। आज 7 लाइसेंस बना है और 73 पंजीकरण हुआ है। तो एक लोगों में क्या हुआ है कि जागरूकता भी आया है कि नई लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है और लोगों ने लाइसेंस बनवाया है, जिससे सरकार की जो मंशा है कि सभी लोग पंजीकृत रहें, सबका GST में, फूड में, ड्रग में जिसका जो लाइसेंस है वो सभी लोग समाहित हो जाएं, क्योंकि जब सब लोग आएंगे उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा, बिलों। आजकल तो कंपनियां क्या कर रही हैं, जब तक फूड या ड्रग का हमारा लाइसेंस नहीं है तब तक वो इनवाइसिंग भी नहीं कर रही हैं। तो जो एक मोदी सरकार या योगी सरकार की योजनाएँ हैं कि नहीं सभी लोग सिस्टम में आ जाएं और सिस्टम के तहत कार्य करें और कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, जब हम लाइसेंस से खरीदेंगे और बेचेंगे तो निश्चित रूप से सही प्रकार के गुड्स खरीदेंगे और सही प्रकार के गुड्स बेचेंगे। और जो पब्लिक फूड का या ड्रग का हमारा लाइसेंस है, जब वो फूड प्रोडक्ट बिकेगा जो बिल से आएगा वो निश्चित रूप से सही होगा, तो लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। इसी के मद्देनज़र ये कैंप लगवाया गया था 1 और 2 जून को और काफ़ी व्यापारियों का इसमें रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लाइसेंस भी बना, विभाग का सहयोग जो बहुत अच्छा रहा है और व्यापारियों को बहुत सुविधा मिली है। हमारे बहुत सारे व्यापारी इससे बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि व्यापारियों को कई बार क्या होता है विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है, अधिकारी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, यहाँ एक जगह कैंप लग गया तो सारे व्यापारी आसानी से प्रपत्र लेके आए और सबका जिनका अपलोड होता गया ये लोग यहीं पे जारी करते गए, एक दिन में लाइसेंस और रिन्यूअल मिल गया। तो इस तरीके से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को, अपने व्यापारियों को और अधिकारियों को कि सब लोग सिस्टम में आके और सुचारू रूप से कार्य करना चाह रहे हैं। CDO इंद्रजीत सिंह ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि
इस पूरे वर्ष के लिए जो जनपद में गौशाला चल रही है, गौ सेवा के लिए जिलाधिकारी के द्वारा एक आह्वान किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा भूसा दान करवाया जाए, जिसको लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि गौ सेवा के लिए डोनेशन व भूसा ज्यादा से ज्यादा दान करवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, अगले शनिवार को जब मैं उसमें मिलूंगा तो आप उसमें से 2-3 गुना काम करते हैं। आप में से कितने लोग गोरखपुर के ही हैं? आपका आप लोग हैं पास के, कितने लोग इस मर्डर के बाद हैं? आप बहुत कम लोग हैं मर्डर के बाद, और ऐसे लोग आपका लोग बिल्कुल 5 साल से ऊपर हो गए गोरखपुर में। अच्छा मैंने जो मुझे बता देता हूँ, अगर किसी को कितना टाइम गोरखपुर में हो गया है, वो गोरखपुर मंडल से ही है या गोरखपुर से ही है, तो उसकी इतनी बन जाती है जहाँ वो काम करता है कि अगर वो किसी को कुछ कह दे तो उसके लिए वो कर दे। जैसे ही उनको सम्मान पत्र मिला तो उन्होंने डबल दे दिया, और उसके बाद मैंने जितने आपके डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको एक सेक्शनी पर बुलाया, जिसे आज आप लोग को मिला है। हम लोग दान का करेंगे और इतना हम लोग फंड का करेंगे दान का, तो उन सब लोगों ने डबल डबल दे दिया। एक हफ्ते में जो हमारा भूसा कलेक्शन हुआ था 850 क्विंटल हुआ था, और जो दान हमें दिया गया था गौ सेवा के लिए 6.5 लाख रुपये। अब आप लोगों से हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस भूसा जो हम दान में ले रहे हैं और हम गौशाला को एक जो है जो फाइनेंशियली सस्टेनेबल मॉडल बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं, और एक बहुत मॉडर्न गौशाला बनाने का गोरखपुर में हमारा प्लान है, उसमें आप सब लोग का सहयोग है। इसके साथ साथ मनरेगा में हम लोग चारागाह पे वर्क कर रहे हैं ताकि चारा भी मिल सके। तो मैं अगले शनिवार जब मिलूंगा हर एक इंडिविजुअल से मैं पूछूंगा, बाय नेम पूछता हूँ कि आपने एक हफ्ते में कितना इन दो चीज़ों पर काम किया। मुझे उम्मीद है कि जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम लोग डीएम साहब से सम्मानित करेंगे, ठीक है? ये नोट कर लीजिए, कर्मचारी जो हाईएस्ट होगा और जो हाईएस्ट देगा उनका भी, जो देंगे सबको सब प्रशस्ति पत्र तो हमने देने ही है, तो आप इनसे वो शेयर कर दीजिए जिसमें अकाउंट में जाना है, काम वो अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिए। और जो ड्राई भूसा लाएंगे, मतलब कोई जैसे कई लोगों ने ट्रॉली के ट्रॉली दान करवाया, कई लोगों ने कितना कराया स्टोर किया, एक अच्छा आप लोगों का जो सहयोग है वो हमें चाहिए। तो आप लोग मेहनती है सब लोग करके अगली बार अगले शनिवार में मिलूंगा, और अगले शनिवार क्या है, अगले इसी दिन मिलते हैं, थर्सडे मिलते हैं, नेक्स्ट थर्सडे मिलते हैं, शनिवार नहीं नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम पर मिलेंगे, ठीक है? फ्रेंड विजिट भी खत्म हो जाएगी तो हम लोग बिजनेस बैठेंगे, फिर हम रिव्यू करेंगे कितना आपने किया और पूरे साल का प्रबंधन अभी करेंगे, और एक जल्दी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है जिसमें सारा ये डेटा फीड भी होगा। ऑलरेडी उस पर काम हो चुका है, तो उसमें सब डेटा जाएगा किसने कितना काम किया, कितना किया और कहाँ स्टोर किया। जब आप ले लेंगे, स्टोरेज करना हमारी जिम्मेवारी है, हम कैसे उसको गौशाला में करें, सरकारी बिल्डिंगों में करें वो हम देखें, ब्लॉक लेवल पे करें वो सब हम आपको दे देंगे। आप इस पर बढ़ चढ़ के काम, आप इस वित्तीय वर्ष के लिए या इस पूरे साल के लिए जो हमारी गौशालाएं चल रही है गौ सेवा के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये एक आह्वान किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भूसा डोनेट करें, उसको लेके जितने भी पशुधन विभाग के हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा बढ़ चढ़ के इसमें कार्य किया जा रहा है। आज मेरे द्वारा उनका रिव्यू किया गया है और उनको टारगेट दिए गए हैं कि आप गौ सेवा के लिए डोनेशन या भूसा डोनेशन के लिए आप लोग मिलकर काम करिए, जो स्वेच्छा से देना चाहता है उसके लिए दिए। इससे पहले जितने भी हमारे वेटनरी ऑफिसर हैं उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, और सारी गौशालाओं को हम लोग पूरे साल के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग उनको अच्छे से संचालन कर सकें। गुरुवार को बेनीगंज स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर जिला एवं महानगर के संयुक्त तत्वावधान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर राइट टू नेशन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों का अभिनंदन अंग वस्त्र से सदर सांसद रवि किशन द्वारा किया गया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक 8 वर्ष सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। मोदी की योजनाएं गरीब कल्याण के लिए ही लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि देश की पहली ऐसी सरकार है जो हर जाति हर समुदाय के लोगों को गरीबों के कल्याण हेतु योजना की लाभ ला रही है और उन्हें लाभ भी
पहुंचा रही है, उनको सम्मानित भी कर रही है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष हरिकेश राम त्रिपाठी, महानगर उपाध्यक्ष ब्रजेश्वरी मिश्रा, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, जिला महामंत्री सबल सिंह, जिला मीडिया प्रभारी के एम मझवार, महानगर मीडिया प्रभारी चंदन आर्य, मनोज अग्रहरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, इसे आप आदरणीय रवि किशन जी का पुष्प गुच्छ और अनुवस्त्र दे करके वोटर्स भी है और वास्तव में सबसे अच्छी प्रचारक है। हमारी उपलब्धियों को जब लोगों के बीच में जाते हैं को आनंद मिल रहा है, जाकर के जब प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने तो तमाम लोग हमारे हमसे मोटिवेट होते हैं, हमारे बीच आते हैं। रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम है जो हम सभी लोग यहाँ करने जा रहे हैं आज। माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय जिला प्रभारी जी, आप सभी सम्मानित हुए हैं, लगभग 700 फिल्मों में अपना अभिनय कर चुके हैं। आप हमारे सांसद हैं, आपके लिए अभिनंदन, आपके द्वारा अभिनंदन का हो रहा है। और हमारे चौरा चौरा के सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी का भी इसी क्रम में अभिनंदन माननीय रवि किशन जी द्वारा। आपका बंधन समान अभिनंदन नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के हस्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, पीछे होने के उपरांत सभी लोग पूरा अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल पूरे किए, उनके कार्यकाल में जितने लोगों को फायदा हुआ है, इस देश का कल्याण हुआ है, राज्य का कल्याण हुआ है, गांव देहात का, आखिरी श्रेणी में खड़े हुए व्यक्ति का, हर जात का, हर समुदाय का, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो स्वर्ण हो, वो पिछड़ी जात का हो, वो छोटी जात का हो, जो भी गरीब हो, उनको लाभ मिला है। आज उनको सम्मान हम लोग बुला के यहाँ दे रहे हैं, ये बेनीगंज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं हमारे प्रभारी जी गौतम जी के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ, हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, पूज्य महाराज जी को धन्यवाद दे रहे हैं।
कि आज लाभार्थियों को सम्मान दे के उनके चेहरे पे जो खुशी हम देख रहे हैं उसके लिए दिल से आशीर्वाद इन 8 सालों में समस्त गोरखपुर और गोरखपुर मंडल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है और उनका दिल से हम सब लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने शहरी निकाय विकास कार्यों की कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी विद्यालयों का सुंदरीकरण होना है, जिसमें विद्यालय के दीवार, शौचालय, बोर्ड आदि शामिल हैं। इसलिए सभी अधिकारी कार्यों को शीघ्रतापूर्वक पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कुछ विद्यालयों का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत विद्यालयों का कार्य बाकी है। इसी तरह विद्यालय के सड़क व गांव कच्ची गलियों में सड़क बनना है। जितना जल्दी हो सके बरसात से पहले कार्यों को पूरा किया जाए। इसके अलावा जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन पर भी कार्य होना है। उन्होंने कहा कि जितने भी हैंडपंप गाँव में खराब हैं उन सबको ठीक करवा दिया जाए, क्योंकि बरसात में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है और लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं। इसीलिए सभी हैंडपंपों को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उनको वो एक एनजीटी का ऑर्डर दिखा दीजिए, जो शासन ने जो भी आ गया है वही बता दीजिए कि ये तो सभी जगह होना है। यही बताइए कि इन्हें जगह तो चल गया, ये आवश्यक है तो सभी जगह बनना है। उसमें भी बहुत ज्यादा लागत, 3 लाख एक विद्यालय है सर जिसकी लागत सर 54 लाख रुपया है। हाँ, वो नॉर्मल है, काफ़ी बड़ा है न, उसमें सर टॉयलेट है, रास्ता है सर, पानी की कोई व्यवस्था है नहीं। तो देखिए कायाकल्प में जो सारे विद्यालय को आपको एक तो सारे विद्यालय लेना है जी। ये दिन सर कई पिछली कई मीटिंग्स में उन्होंने बोला है, आप उन्होंने कुछ लिए भी हैं अभी नहीं है सर, लेकिन अभी संख्या बहुत कम है। अब जैसे सैजनवा में 12 है, उनके 3 लिया, 3 में काम हो चुका है, अभी भी 6 अभी देना बाकी है। इसी तरह से पीपीगंज में भी 10 में से उन्होंने 9 में काम शुरू कर दिया, अच्छा है उनका। और पिपराइच में 12 में से 3 सीट अभी दिया है। सहमत नहीं हो रहा है सर, और जो ज़्यादा हो जा रहा है उसका तो देखिए, वो तो आपके जनरल साहब बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो तो मुझे लगा है। स्कूलों में और स्कूलों में सर अच्छी गली हो रही है, दो चीज़ों में कहने के बाद भी, बार बार कहने के बाद भी सर वो नहीं कह रहे हैं। एक सर वो यही एक इनका उन लोगों की भी मीटिंग कर लेते हैं आप लोग के साथ में, तो ये थोड़ा सा मतलब क्लियर रहना चाहिए। ये चीज़ें प्रायोरिटी में, ये भी प्रायोरिटी सर लगभग बन चुका है। कच्ची गलियाँ हर एक वार्ड में, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। डी एम सर भी इसके पहले दिन से बात इसमें कर रहे हैं, कच्ची गली में काम होना है। कच्ची गली पहले दीजिए, विद्यालय सब दीजिए, ये सब अच्छे आपके रहना चाहिए। वहाँ पर वोटिंग होती है, सब कुछ होता है ना, विद्यालय बहुत रहना चाहिए। तो ये विद्यालय ना जो फिर आंगनबाड़ी केंद्र भी आपको लेना है, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें भी आप अपना उम्मीद सब उनका भी अच्छा से काम करना है। इसमें आप एक 3 विद्यालय का पूर्ण हो गया है, ठीक है, 4 हमने लिए थे, 3 पूरा हो गया है और एक विद्यालय का कार्य प्रगति पर है, टेंडर की कार्य प्रगति पर है। वो फाइल हमें वो भेज भेजी आपने, भेज दिया है उसको, भेजिए जल्दी। उनमल ने भी 2 विद्यालय स्वीकृति जिला मुख्यालय पर पत्र भेजी है जी सर, आपने भेजा है आगे बताइए। हैंडपम्प की स्थिति सर आपको सही है, समझे जो 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 खराब हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हैंडपम्प तो खराब है, सही हो जाएंगे, लेकिन हैंडपम्प डिस्करेज करना चाहिए और पेयजल वाला की ओर हमें जाना चाहिए। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और आप अभी हैंडपम्प की बात कर रहे हैं। हैंडपम्प मरम्मत में सबसे ज़्यादा किस नगर निकाय ने खर्च किया है, किसने खर्च किया है ठीक देखते रहना चाहिए। भेज देते हैं ये जो इसमें लगे हैं ना, ये फेसिलिटी विजिट में करते हैं आपको, आप जाओ अगली बार आइए, उसको बुलाएंगे मीटिंग में सर। इस बार आप लोग अपना ऑर्डर में सप्लाई हो रही है, पानी का सर वैसे कोई इशू नहीं है। नहीं सुनो बताता हूँ, हाँ पानी की टेस्टिंग हुई है क्या? पानी की टेस्टिंग हुई है, जल निगम से पानी की टेस्टिंग किट्स ले लीजिए और टेस्टिंग करवाइए। कहीं कहीं नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है तो मुझे या एडीएम साहब को बता दीजिए, क्या करना है देख लेते हैं। दूसरा, जो किसी जगह पे आपने आरओ प्लांट्स लगाए हैं लोगों के लिए,
किसने लगाए हैं? जी सर, मेरा भी मतलब कितने आर ओ प्लांट हैं? 5 सर लगे हैं। आप सभी अपना डेटा दे दीजिए इनको, हाँ जी, बाकी कहीं जरूरत नहीं। दूसरा, तीसरा, कितने हाउस होल्ड से, कितने हाउस होल्ड कनेक्शन से आच्छादित हैं? आपको पता है 2024 तक हमें हर घर तक पानी पहुंचाना है, कितने घर आच्छादित हैं ये बताइएगा परसेंटेज वाइज। और शेष के लिए आपकी योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही है सरकार की इसके तहत, इसके लिए अमृत से लेके उनमें आपको लगाना चाहिए, तभी मैं मानूंगा पेयजल संतृप्त है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में होने वाले तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होगी गीडा की दमदार भागीदारी। 1,892 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं से 4,657 नए रोजगार का मार्ग होगा प्रशस्त। जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक, सभी अधिकारियों को ड्यूटी के प्रति किया ब्रीफ। गोरखपुर न्यूज के कैमरे में कैद हुई लाइव गिरफ्तारी। 1 जून को कलेक्ट्रेट के रजिस्ट्री ऑफिस पर फर्जी जमीन का मालिक बनकर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। रमेश कुमार के नाम का फर्जी आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रदेश के जीआरपी के एडीजी पीयूष गोयल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक, महिला संबंधी अपराधों गैंगस्टर गुंडा एक्ट के तहत अपराधियों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। परफॉर्मेंस ग्रांट में चयनित पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत निवास में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, सुनी जनता की समस्या, शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सदर सांसद रवि किशन, मशहूर सिंगर के निधन एवं सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर हुए दुखी। कहा, मूसेवाला की हत्या में है पंजाब सरकार की लापरवाही। इस हत्या की जवाबदेही केजरीवाल या फिर भगवंत मान जी की। जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एसपी ट्रैफिक ने किया रूट डायवर्जन। नौकायन, गीता प्रेस, गोरखनाथ मंदिर के तरफ जाने वाले सभी वाहनों को किया गया प्रतिबंधित। कहा, रूट बदल कर ही वाहन जाएंगे अपने गंतव्य को। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर सदर सांसद रवि किशन एवं बांसगांव सांसद कमलेश पासवान मीडिया से हुए रूबरू। कहा, पहले सरकारी योजनाएं बनती थी सिर्फ कागजों पर, मोदी सरकार में एक एक योजनाओं का लाभ मिल रहा है सीधे आमजन को। राजघाट पुलिस ने 4 अभियुक्तों को अवैध कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार। 500 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 20 किलोग्राम नौसादर और 6 किलोग्राम यूरिया किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। बरसात से निपटने की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, जिले के बड़े व छोटे नालों की तेजी से करवाई जा रही है सफाई, जनपद में नहीं होने दिया जाएगा जल जमाव। फूड सप्लीमेंट बेच रहे मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस एवं पंजीकरण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गोरखपुर एवं दवा विक्रेता समिति के तत्वावधान में लगाया गया 2 दिवसीय पंजीकरण कैंप। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रतिमा त्रिपाठी ने बताया, 12 लाख सालाना से अधिक टर्नओवर पर 2,000, 12 लाख सालाना से कम टर्नओवर पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क है मात्र 100 रुपये। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की बैठक, पशुओं के लिए भूसा डोनेशन कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर राइट टू नेशन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को सदर सांसद रवि किशन ने अंग वस्त्र प्रदान कर किया अभिनंदन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ऐतिहासिक 8 वर्ष की सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को हो रही है समर्पित। और
शहरी निकाय विकास कार्यों के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।